हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आप सभी लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज आपका भाई आपको बताने वाला नया टॉप ऑफ इवेंट का करेक्टर के बारे में। तो जैसे ये सभी लोगों को मालूम है, नया करेक्टर आया हुआ है जिस जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक करेक्टर है, जिसके हर कोई तारीफ कर रहा है। करेक्टर का नाम भाई दिमित्री है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये करेक्टर है। तो भाई इसको यार हम लोग जल्दी से जल्दी परचेस कर लेते हैं, टॉप ऑफ मार लेते हैं। तो भाई जिनके पास भाई एक्स्ट्रा पैसे हो भाई टॉप ऑफ मारे, वरना नहीं मारे। तो मैं आपको इस टॉप ऑफ मतलब करेक्टर के बारे में बताऊंगा भाई, करेक्टर कैसा है, इसकी स्किल कैसी है। तो इसकी थोड़ी अच्छाई बताऊंगा और अच्छाई के साथ थोड़ी ख़राबी भी बताऊंगा, क्योंकि अच्छाई बताऊंगा तो अच्छाई ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक चीज़ ख़राबी है इसमें, एक ही चीज़ ख़राबी है, बाकी सब इसमें बढ़िया मुझे अच्छा लगा है, बस एक चीज़ ख़राब लगी। तो उसको जल्दी से टॉप अप मार लेते हैं। तो जल्दी से दो मारेंगे भाई, क्योंकि यार 80 से 160 में मेरा काम हो जाएगा। अगर 250 वाला मारूंगा तो भाई 250 लगेंगे, तो भाई दिमाग होना चाहिए। तो भाई पास दिमाग है थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो भाई टॉपअप मार लिया है, तो देखते हैं भाई नया करेक्टर मिला है। तो भाई यहाँ पर नया करेक्टर मिल चुका है, बंडल नहीं लिया है भाई, इससे हम लोगों ने करेक्टर ही लिया है। तो इस करेक्टर को जल्दी से जल्दी जाके हम लोग अपग्रेड करते हैं, फिर अपग्रेड करने के बाद देखेंगे भाई कैसा चल रहा है। तो यार लेवल 3 या लेवल 4 का होगा, मेरे पास भाई इस टाइम ज़्यादा फ्रेगमेंट नहीं है। तो देखते भाई कितने लेवल का अपग्रेड होता है अपना ये करेक्टर। तो भाई इसको अपग्रेड करके देखते हैं। तो लेवल अब लेवल पहले 2 होगा, लेवल 2 करने के बाद इसको लेवल 3 करेंगे, फिर लेवल 3 के बाद लेवल 4। अरे भाई बच्चे बच्चे डायमंड चले जाते, बच गए भाई साहब, अरे बिल्कुल गए 50 डायमंड अभी चले जाते पानी मेरे। तो भाई मैं कैरेक्टर या सिर्फ लेवल 3 का है, पर मैं लेवल 3 में भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसकी क्या स्किल है और क्या काम कर रहा है। अगर लेवल 3 में ये कैरेक्टर अगर अच्छा काम कर रहा है तो भाई इसको खरीद लो भाई, बहुत ही ओपी कैरेक्टर होने वाला है ये। अगर ये लेवल 3 में अच्छा काम करता है तो मैं आपको गेम प्ले दिखाऊंगा खेल के कि भाई कैसा ये गेम चल रहा है। तो भाई जल्दी जल्दी स्किल लगा लेता हूँ, सारे स्लॉट्स खोल लिए मैंने, तो KD लगा ली है और हाल और लगा दिया है हया। तो चलो भाई सारे हमने स्किल पुल कर लिए, बस अपग्रेड नहीं हुआ, लेवल 3 का ही है भाई, सॉरी इसमें हमें ज़्यादा ध्यान मत देना। तो आप लोग को दिखाते चल के भाई एक गेम खेलते, तो इसको जल्दी से भाई कपड़े पहना देते हैं इसको, नूब भाई या नहीं बना के ले जाएंगे, थोड़े बहुत कपड़े पहना देते हैं वरना बेइज्जती हो जाएगी अपने नए वाले करेक्टर की। तो उसको जल्दी से पगड़ी अगड़ी अगड़ी सब कुछ पहना देते हैं, फिर इसको अपना एकदम से तैयार करके एकदम नया नवेला बना के अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। तो भाई बंडल्स कहाँ गए? तो भाई मैं जब वीडियो को स्किप कर देता हूँ, सब कुछ कपड़े पहनाने के बाद स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो ये स्किप भाई लोग, हम लोगों ने यहाँ पर अपने बंदे को कपड़े पहना दिए हैं और उसको एकदम प्रो ऐसा कर दिया है, या नूबड़ा जैसा भी हो, बस अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं फिर एक गेम खेल के देखते हैं कि भाई इस करेक्टर में क्या अच्छाई है और क्या ख़राबी है। वैसे मैंने बहुत नाम सुना है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है। तो भाई अपने पहले क्लेश को रैंक खेल के देखते हैं कि कैसा चलता है। तो स्टार्ट करते हैं, तो पता चलेगा भाई ये करेक्टर कैसा होने वाला है। सभी भाइयों बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं कि करेक्टर कैसा है, अच्छा है, ख़राब है। अगर भाई लोग आपको आप लोग पास एक्स्ट्रा पैसे हों तो ये करेक्टर लेना भाई। ये पैसे मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रखे थे गिववे के लिए, और ये मैं अपने पास से बिल्कुल नहीं खरीद करता हूँ, जो मेरी एक्स्ट्रा सेविंग्स होती है मैं वहीं से टॉप अप मारता हूँ। मैं बिल्कुल भी अपने पास पैसा नहीं डालता। अगर आप लोगों के पास पैसे हों तो ही भाई इस गेम में लगाना, वरना भाई बिल्कुल भी मत लगाना, ठीक है। तो देखते हैं भाई, मैंने यार USB ले लिया, यार GT लेना ही भूल गया यार, USB लेकर खेलता हूँ। पहला राउंड मुझे मालूम, पहला राउंड मैं मरने वाला हूँ, पहले राउंड में कुछ नहीं कर पाऊंगा, साफ बात है मर जाऊंगा। अरे भाई ये बंदा कहाँ से आ गया? तो इसको यार मार के देखते हैं फिर से मरता है कि नहीं मरता। वैसे मरेगा नहीं यार फिर ज़्यादा मतलब कि। तो भाई यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पर है सेल्फ रिवाइव का ऑप्शन। जब आप नॉक होंगे तो भाई सेल्फ रिवाइव का ऑप्शन आएगा, जिससे आप लोग खुद अपने आप रिवाइव हो जाएंगे। तो भाई देख सकते हैं कि मैं अपने आप खुद रिवाइव हो रहा हूँ, तो भाई खुद ही रिवाइव हो गया हूँ मैं। और भाई इस करेक्टर की यही अच्छाई है कि अगर आपके बंदे आपको रिवाइव नहीं देते, जैसे कि मेरे समीर और फौजान दोनों को रिवाइव नहीं देते, ऊपर से लोल मार के जाते हैं, कहते हैं भाई 150 रुपया दो तभी रिवाइव देंगे, तो भाई बहुत कमीने हैं ये लोग। तो इन लोगों के लिए मैंने करेक्टर ले लिया है, भाई लोग रिवाइव देना दे तो मैं अपने आप को खुद रिवाइव दे दूंगा। तो भाई इस करेक्टर की अच्छाई है, अब मैं बताऊँ एक चीज़ बुराई। तो इस करेक्टर का यार एक बुराई है कि भाई जो उसका जो स्किल जो आप लोग यूज़ करोगे, तो स्किल के बाद एक गोला का डायमीटर बन के आएगा आपके पास में। अगर आप वो डायमीटर के अंदर रहोगे तो आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हो। अगर आप उस स्किल को नहीं दबाओगे तो भाई रिवाइव का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर आप स्किल को दबा दोगे भाई नॉक हो जाओगे, डायमीटर के अंदर रहोगे गोले के अंदर, तो आप अपने आप को रिवाइव दे दोगे, वरना भाई कुछ नहीं कर पाओगे। और रिवाइव देने के बाद भाई HP भाई बढ़ती है, अच्छी खासी HP बढ़ती है। और लेवल 3 का है भाई साहब, HP भाई साहब अच्छी खासी बढ़ी है, 60-70 तक की बढ़ रही है, मैंने खुद देखा है खेल के। तो और भाई लोग ये बिल्कुल आलोक का डुप्लीकेट है यार, बस आलोक यार अपना गोला साथ में लेकर चलता है, और ये गोला यार सिर्फ एक ही जगह पर छोड़ देता है यार, जैसा कि ये म्यूजिक का निशान बन गया है। वैसे भाई कैरेक्टर यार मुझे सही बताऊं तो यार मुझे ये कैरेक्टर सही लगा है, बस मैं यही खराबी है भाई गोला एक ही जगह पर रहता है और मैं बार बार भूल जाता हूं, और मुझे क्रोनों और वोकों चलाने की आदत है, तो यार थोड़ी देर मतलब मुश्किल होगी यार। तो वैसे यार कैरेक्टर
सीख जाऊंगा खेल के, ट्रेनिंग करूंगा थोड़ा बहुत। वैसे मैं तो कोरोना बुकों की यार बहुत ही आदत पड़ चुकी है, तो इस गेम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर भाई लोग हम लोग दिखाते हैं इसकी नई मतलब कि दूसरी जो है इसकी पावर, कि भाई कितने बंदों को ये रिवाइव दे देता है भाई, वो भी देखना पड़ेगा। कि भाई एक बंदे को साथ में रिवाइव देगा, दो को देगा, तीन को, भाई तीन बंदों को रिवाइव देता है एक साथ, तो भाई ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी भाई इस गेम को ख़त्म करते हैं। इस गेम को ख़त्म होने के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि भाई ये बंदा एक साथ कितने बंदों को रिवाइव दे देगा, ये एक को देगा कि दो को कि तीन को। तो इसकी यार यही खूबियाँ हैं भाई, पहली खूबी है कि भाई अपने आप को खुद रिवाइव दे देता है अगर आप गोले के अंदर रहते हो तो, ठीक है। और ये आलोक का डुप्लीकेट है बिल्कुल यार, आलोक की देखिए लाइफ बढ़ाता है, अच्छी खासी लाइफ बढ़ाता है, लेवल 3 पे आ रहा है तब भी अच्छी खासी लाइफ दे रहा है। जब इसको मैं मैच कर दूंगा तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बहुत ही बढ़िया करेक्टर है जो भी कहो, वैसे मैं नहीं लेता पर मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए करेक्टर लिया है। अरे भाई ग्लोबल नहीं था यार। तो भाई जल्दी से जल्दी मतलब कि मैं देखता हूँ यहाँ पर अपने स्किल को यूज़ करके, अगर बंदा मुझे नॉक करेगा तो मैं स्किल से अपने आपको रिवाइव दे दूंगा। तो यानी कि मैडकिट मारने लगा यार, वरना आपको उनको दिखाता। तो यहाँ पर गोला सा बन के आ गया, आप लोग देख सकते गोला डीजे आलोक का सेम डुप्लीकेट है ये, यहाँ पे गोला सा बन के आ रहा है भाई, उतनी जल्दी यार ये भर भी जाता है, इसका टाइम आउट ज़्यादा नहीं है। जैसे आलोक का जो गोला से घूम रहा है म्यूजिक के ऊपर जो भाई जल्दी आलोक को घूम जाता है, वैसे इसका भी जल्दी ही घूम जाता है, बल्कि ये अपग्रेड नहीं है, लेवल 3 का है। भाई इसकी नेक्स्ट स्किल देख रही, भाई इसकी नेक्स्ट स्किल क्या है भाई, बहुत बंदे कह रहे कि ये करेक्टर यार एक साथ यार दो तीन बंदों को यार रिवाइव दे देता है। तो चलिए मैं अपने फौजान और समीर दोनों को भाई बुला लिया, तो देखते कि भाई ये बंदे कितने ये करेक्टर कितने बंदों को रिवाइव दे सकता है नॉक होने के बाद। तो भाई मैं फौजान और समीर से कहूँगा भाई नॉक हो जाए वेरिएंट से, फिर मैं उनको रिवाइव देता हूँ इसके लिए करके कि भाई कि दोनों को रिवाइव दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो भाई देखते हैं ये करेक्टर भाई क्या कर सकता है, भाई पावर इसकी बहुत ज़्यादा गजब की लगी मैं। तो भाई समीर नॉक हो गया है, फौजान तुम भी नॉक हो जल्दी से। स्किल को भाई देखो मैं यस कर देता हूँ, अब मैं भी नॉक हो गया हूँ, तो मैं रिवाइव देता हूँ। अरे भाई भाग तो जाते, मैं रिवाइव दे रहा हूँ दोनों को, जा भाई चला गया भाई दोनों को भाई रिवाइव दे दिया। तो आप लोग देख सकते हो भाई कितना ओपी कैरेक्टर है भाई, दोनों को रिवाइव दे दिया भाई बहुत ही गजब तरीके से यार। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओपी है यार, भाई मुझे बहुत ही गजब का कैरेक्टर लगा है गरीना का ये वाला, बस इतना एक ही खराबी तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो भाई लोग अगर आप लोगों को वीडियो यार पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, समय हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। और भाई लाइव स्ट्रीमिंग डेली हो रही है, तो अगर आप वीडियो अगर लाइव स्ट्रीम पे नहीं आते तो भाई लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की भाई डेली है। भाई फ्राइडे को लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, बाकी सारे डेज में फ्री लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो भाई लोग आज भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और कल फ्राइडे पर कल नहीं होगी, तो भाई परसों भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, भाई बहुत ही ओपी कैरेक्टर है, अगर आज जिन जिनको भाई लेना है भाई कमेंट करो, और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।